The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, bone mineral density, ye jo test hai, ye measure karta hai aapke bone mein kitna calcium deposited hai, kitna calcium aur dusre prakar ke jo mineral bone ke andar bhare hain aapke bone mein kitne hain, aur ye pata chalega ki aapki haddi kitni power hai, osteoporosis, osteopenia ya normal haddi hai, bone fractures ka risk kitna hai, ye aapko bone mineral density test se pata chalega. Ye test kaise kiya jata hai, bahut sare tareeke hain iske. सबसे कॉमन जो तरीका है इसका वो होता है डेक्सा स्कैन. डेक्सा इज ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री. डेक्सा ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री. डेक्सा स्कैन में एक लो डोज एक्सरे यूज होता है, लेकिन आप एक छाती के एक्सरे से ज़्यादा रेडिएशन को एक्सपोज होते हो, सीटी स्कैन से कम, राइट. और इसमें भी दो प्रकार के डेक्सा स्कैन होते हैं, एक होता है सेंट्रल डेक्सा, एक होता है पेरिफेरल डेक्सा, राइट. सेंट्रल डेक्सा में आपको एक सॉफ्ट टेबल पे लेटाया जाता है और स्कैनर आपके स्पाइन और हिप के ऊपर से पास होता है, और इन मोस्ट केसेस आपको कपड़े नहीं उतारने पड़ते, आपको अनड्रेस नहीं करना पड़ता है ये. और इस टेस्ट में दिस स्कैन इसमें आपको प्रिडिक्ट करता है आपके फ्रैक्चर के रिस्क, खासकर आपके हिप फ्रैक्चर, आपकी हिप बोन के फ्रैक्चर का रिस्क. पेरिफेरल डेक्सा नाम की एक और चीज़ है जो दूसरे प्रकार का है. पेरिफेरल डेक्सा में छोटी मशीन होती है जो मेजर करती है बोन डेंसिटी आपके रिस्ट पे, आपके फिंगर्स पे, आपके लेग पे, आपकी हील पे. और ये जो मशीन है ये डॉक्टर के ऑफिस में हो सकती है, छोटे मोटे शॉपिंग सेंटर्स में, फार्मेसीज में, छोटे मोटे हेल्थ फेयर्स में, जिनसे के आपको कई बार पैर की उंगली डाल के बोलते हैं कि बोन डेंसिटी पता चलेगा, ये पेरिफेरल डेक्सा होता है. ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है, राइट. सो इस टेस्ट को करने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ प्रिपरेशंस करने ज़रूरी हैं. नंबर वन, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर को बताइए, क्योंकि लो डोज एक्सरे लेकिन है तो एक्सरे, तो फिर अगर आपका सेंट्रल डेक्सा नहीं कर सकते अगर आपका प्रेग्नेंट हैं तो, और पेरिफेरल डेक्सा भी करते हैं तो फिर बैरियर रखना चाहिए लेड का. और अगर आप डेक्सा स्कैन या कोई ऐसा टेस्ट कराने जा रहे हैं तो कैल्शियम सप्लीमेंट को 24 घंटे से पहले नहीं लेना है, 24 घंटे तक नहीं लेना है बिफोर द टेस्ट. डू नॉट टेक एनी कैल्शियम सप्लीमेंट फॉर 24 आवर्स बिफोर द टेस्ट, राइट, ताकि आपका टेस्ट थोड़ा बेटर आए. और आपको बताया जाएगा जितनी भी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो पार्ट है उसमें से आप जो बोनी पार्ट है, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, जो आपका क्या कहते हैं इसको, ज्वेलरी, बोनी पार्ट्स हैं उसके ऊपर से अगर कोई ज्वेलरी है, कोई अंगूठी है या कोई बकल्स हैं, कोई ज्वेलरी है, तो वो आप उसमें से हटा दें, क्योंकि एक्सरे में वो बोनी पार्ट नहीं आना है, वो ज्वेलरी नहीं आनी चाहिए, राइट. ये तीन प्रिपरेशन है, कोई भूखा नहीं रहना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, स्कैन में कोई इंजेक्शन नहीं लगता, तो कोई दर्द नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, राइट. आपको बस एक जगह पे बिना हिले रुकना है, दैट्स इट, राइट. टेस्ट क्यों किया जाता है, हमने बता चुके हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, हड्डी कितनी, कितना मिनरल है, कितनी डेंसिटी है, ये पता करने के लिए. आपको फ्रैक्चर का कितना रिस्क है ये पता करने के लिए. अगर आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है और आप फीमेल है, तब तो आपको पक्का ये करना चाहिए, वरना आपके रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे केस में, राइट. अगर हम बोलें मेंस को भी, अगर उनकी उम्र 65 या 70 के ऊपर है तो भी उनको ज़रूर करना चाहिए, राइट. यंग लोगों को करने की ज़रूरत तब पड़ती है अगर उनको रिस्क फैक्टर है. मान लो अगर उनको 50 साल की उम्र के बाद ही फ्रैक्चर हो रहा है, 50 के आसपास, अगर उनको फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में सबको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, अगर उनको कोई ब्रेस्ट कैंसर या किसी प्रकार का कोई प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, मेनोपॉज अर्ली हुआ है, ऐसा कोई हिस्ट्री है तो उनको ज़रूर कराना चाहिए. रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, अर्ली मेनोपॉज, या फिर उनको कोई आर्थराइटिस, डायबिटीज़, थायराइड, ऐसी कोई बड़ी बीमारी है, या लॉन्ग टर्म कोई दवाई ले रहे हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, बॉडी वेट बहुत कम है, बॉडी मास इंडेक्स कम है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, लॉन्ग टर्म टोबैको, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो भी ऐसे केस में आपको बोन वीक हो जाने के रिस्क होते हैं. लिवर की बीमारी है तो भी कराना चाहिए. नॉर्मल टेस्ट कैसा होता है, नॉर्मल टेस्ट टी स्कोर और जेड स्कोर जैसा बताया जाता है.
टी स्कोर कंपेयर करता है आपकी बोन डेंसिटी एक यंग हेल्दी वुमन वुमन से, और जेड स्कोर कंपेयर करता है बोन डेंसिटी आप ही के दूसरे लोगों के जो आपके उम्र के, आपके जेंडर के, आपके रेस के हैं, आपके ही रेस, आपके जेंडर, आपके ही एज के, उन लोगों से आपका जेड स्कोर कंपेयर करता है आपकी डेंसिटी। टी स्कोर एक यंग हेल्दी वुमन से कंपेयर करता है, राइट। दोनों स्कोर्स में एक नेगेटिव नंबर मतलब कि आपकी बोन एवरेज से पतली है, एवरेज से खराब है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा रिस्क आपका बोन फ्रैक्चर होने का। माइनस टी स्कोर अगर टी तो मतलब खराब, अगर टी स्कोर नॉर्मल रेंज में है तो वो होगा माइनस वन और अबव, माइनस वन पॉइंट जीरो या उससे ऊपर है तो वो नॉर्मल होगा, रिमेंबर दैट, राइट। सो ये हुई बात इसकी, एबनॉर्मल टी स्कोर के बारे में भी हम जानेंगे आपसे कुछ ही देर में, राइट। एबनॉर्मल टी स्कोर का क्या मतलब है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग अगर तो टी स्कोर ज़्यादा आता है माइनस में, माइनस वन से लेके माइनस 2.5 तक, तो मतलब यह है ऑस्टियोपीनिया, और अगर माइनस 2.5 से भी कम है तो और ज़्यादा कम मतलब ऑस्टियोपोरोसिस है। सो ये दोनों चीज़ें याद रखिए। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कितना रिस्क है आपको फ्रैक्चर होने का। फ्रैक स्कोर एक और चीज़ है जो कैलकुलेट करता है फ्रैक्चर का रिस्क, जो आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। फ्रैक स्कोर एक अलग सी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन अलग एक और वीडियो में अलग से कभी और बताएंगे। तो बोन मिनरल डेंसिटी में कोई खास रिस्क नहीं होता, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, ये टेस्ट में आप बिल्कुल करा सकते हैं। माइल्ड सा रेडिएशन है, रिमेंबर दैट, और याद रखिएगा माइनस में आपका टी स्कोर है तो वो ज़्यादा खराब है, माइनस 2.5 से जितना नीचे उतना ज़्यादा बोन खराब है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उतना ज़्यादा आपको रिस्क है। सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, राइट, एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस विच यू हैव अबाउट बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी शुड बी डन आफ्टर अ सर्टेन एज इफ योर डॉक्टर इज स्पेशली प्रिस्क्राइबिंग इट। ऑलराइट।